सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। शाम हो गया, अभी तक चाय बना के भी नहीं दिया। लगता है चाय पिलाने का मन नहीं है। बहू रानी चाय पिला दो। A few moments later, मम्मी जी लीजिए चाय। कितना टाइम लगा दी पता है, शाम में चाय पीते हैं कीर्तन के बाद, तो चाय तो दे देना चाहिए था ना। क्या बेटा एक बिंदी भी नहीं लगाई हो? और बहू रानी हाथ ऐसे खुला खुला क्यों है? चूड़ी उड़ी पहना करो, ये सब हम ही सिखाएंगे क्या? कब मेरा दिन आएगा, ये बुढ़िया जाएगी और हम इस घर पे राज करेंगे। सिर्फ बैठे बैठे तो आधा दिन जानती है, ये लाओ वो लाओ। हमको कब टाइम मिलेगा बिंदी लगाने का, चूड़ी पहनने का, सज धज के बैठने का? हमको तो जैसे मन ही नहीं करता है, सिर्फ ऑर्डर देती रहती है। उफ, तंग आ चुके हैं सबसे हम। हम लोग के समय में जब हम बहू बन के आए थे, मेरी सास के पीछे दिन भर बैठे ही रहते थे। पैर दबाना, उनका कपड़ा धोना, उनका देखभाल करना सब करते थे। लेकिन आजकल की बहू कुछ बोलो नहीं उससे पहले सुना देती है। क्या बोले, सबके घर का एक ही कहानी है। ऐसे तो हमको ज़्यादा बोलने का आदत नहीं है, लेकिन बोलने पे मजबूर कर देती है आजकल की लड़कियाँ। कहाँ से आई है, नहीं आई है, बेटा को पसंद है तो घर में तो रखना ही पड़ेगा, और क्या। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था उसमें झगड़ा दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। आजकल सास हो या बहू हो, दोनों मिलजुल के रहते हैं, घर से बाहर भी ज़्यादा नहीं जाते हैं, गॉसिप भी नहीं करते हैं। बस वो दोनों सोचते हैं हम लोग इतना प्यार से रहें कि जब हस्बैंड घर ढुके तो उनको लगे कि माँ बहू, जो कि बेटी है जो कि बेटा है, वो मिलजुल करके हंस खेल के रहें। आप लोगों से विनती है कि हमारे इस फनी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत ही वैल्यूएबल रिस्पॉन्स हम लोग को कमेंट करते रहिएगा। और हम लोग ये फनी नहीं बनाए थे, ये झगड़ा वाला था, लेकिन एक्चुअली इसमें देखिए तो फनी दिखेगा, क्योंकि मैं सास बनी थी। ओके बाय बाय।